नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुलागंज तहसील की हालिया खेड़ी पंचायत से सरपंच पद की प्रत्याशी पल्लवी पति अनिल जाट आजकल सोशल मीडिया की सुर्खी बनी हुई है। उन्हें सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रही है। सीहोर जिले की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला माना जा रहा है। श्रीमती पल्लवी जाट ने CBSE बोर्ड से 10वीं तथा 12वीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से साइबर लॉ और सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान संकाय से स्नातकोत्तर एवं BEd की शिक्षा प्राप्त की है। कोरोना काल में गांव पहुंचकर सास ससुर की सेवा तथा घर के कामों में हाथ बटाने में जुटी है। एक ओर जहां देश का पढ़ा लिखा युवा शहरों या विदेशों की ओर पलायन करता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत में एक ऐसी बहू भी है जो उच्च शिक्षित होने के बाद भी शहर में नौकरी ना करते हुए गांव में ही रहकर अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रही है। वे गांव का विकास कर उन्हें स्वच्छ एवं सुंदर बनाना चाहती है। इसी सोच के चलते इस बार पंचायत चुनाव में महिला अनारक्षित सीट घोषित होने पर उन्होंने सरपंच पद के लिए नामांकन किया है। गांव के लोग सरपंच उम्मीदवार को लेकर बहुत खुश हैं और सभी को आशा है कि इस बार पंचायत को एक शिक्षित सरपंच मिलेगी। हालांकि गांव में त्रिकोणीय मुकाबला है। अन्य दो उम्मीदवार भी सरपंच प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। ग्राम पंचायत हालिया खेड़ी में नया गांव हालिया खेड़ी व भोजपुर टप्पर आते हैं। तीनों जगह कुल मिलाकर 1145 वोटर हैं। सरपंच उम्मीदवार पल्लवी जाट बताती है कि ग्राम पंचायत हालिया खेड़ी में अधिकतर आबादी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की है और आज भी हमारा गांव अन्य पंचायतों से बहुत पिछड़ा हुआ है। सड़क, पानी, बिजली, आवास, साफ सफाई, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हैं। इसलिए गांव का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है। वे अपने ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहती है। आपका नाम बताइए। पल्लवी अनिल जाट। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन 10th 12th मैंने CBSE बोर्ड से किया है। इंजीनियरिंग मैंने RGPV यूनिवर्सिटी से किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। करेंटली मेरा BEd चल रहा है, लास्ट सेम में परसुइंग चल रहा है। हालेखेड़ी पंचायत से आप कैंडिडेट हैं जी, तो आपके मन में गांव के विकास को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं? मैंने एक मॉडल तैयार किया है, Super 30 विकास मॉडल, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनका सबका अवेयरनेस की कमी है गांव में, जिसमें सबको अवेयर करा के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी योजनाएं हैं सबका लाभ मिले ग्रामीण वासियों को। और जिस प्रकार गांव में जो अभी मूलभूत समस्याएं हैं जी, कौन कौन सी समस्या ऐसी है जो जिसका समाधान आप सबसे पहले करना चाहेंगे? एक तो सड़क नहीं है हमारे गांव में अच्छी, गड्ढे और नालियां छोटी छोटी हैं, नालियां गहरी नालियों का, सड़क अच्छी होना और स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल तक ही है, हाई स्कूल तक हो, ताकि गांव की लड़कियों को दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए, अपने ही गांव में सुविधाएं हैं। कुछ लड़कियां तो पढ़ाई छोड़ देती हैं, दूसरे गांव में जाना रहेगा, इसलिए तो सबसे पहले मेरी यही है कि स्कूल हो गांव में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो ताकि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज मेरे गांव में ही हो सके, गरीब लोगों को दूर दराज जाके परेशान ना होना पड़े क्योंकि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल जाट है। क्या एजुकेशन है आपकी? और मैंने पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की है, स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से की, उसके बाद मैंने MBA किया है, उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट कंपनी में जॉब की है। तो क्या कारण रहा कि आप भोपाल में जॉब करते थे उसके बाद में गांव का रुख किया और आज जो अपनी पत्नी है उनको ग्राम पंचायत कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया? मैं जब भी छुट्टियों में आता था तो मैंने देखा कि गांव आज भी हमारी पंचायत काफ़ी पिछड़ी हुई है, अन्य गांवों की अपेक्षा हमारी पंचायत काफ़ी पीछे है, मूलभूत सब सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं गांव में रहकर ही अपने गांव को एक विकसित मॉडल पंचायत के रूप में तैयार करूँ। इस बार महिला सीट आने के कारण मैंने अपनी पत्नी को कहा, विचार किया हमने कि क्यों ना सरपंच पद के लिए हम दावेदारी प्रस्तुत करें। तो क्या क्या कार्य योजना है आगामी आपकी? कार्य योजना में हमने एक ग्राम पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है, Super 30 मॉडल, जिसमें कि लगभग हमने सारी मूलभूत सुविधाओं को ऐड किया है और काफ़ी लोग शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं हमारे गाँव के नौकरी की तलाश में। हम चाहते हैं कि गांव में ही हम ऐसी योजना तैयार करें कि गांव के लोगों को शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े, यहीं उन्हें रोजगार मिले, यहीं रहने के लिए उचित व्यवस्था हो और कोई भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान ना हों। दादरवाल कहाँ के निवासी? भालिया खेड़ी।
जिस प्रकार पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत जो चुनाव चल रहे हैं जी, तो आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में समस्या जैसे कि कहीं पे रोड टूटे हुए हैं, नाली की समस्या है, और पंचायत भवन के आई साइड में बाउंड्री हो, काफ़ी समस्या है सर। तो अब किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? मतलब हम चाहते हैं प्रत्याशी उम्मीदवार जो है अच्छा पढ़ा लिखा हो और मेहनत करने वाला जो नया हो, मतलब पढ़ा लिखा हो। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं पढ़ा लिखा हो जी, नई सोच वाला हो। हाँ, नई सोच वाला हो सर। तो आपकी गांव में मेन समस्या क्या है? काफ़ी समस्या है सर, गांव की बहुत सारी समस्या है। गांव में रोडों का निर्माण है, नालियाँ हैं या नहीं है? नहीं, नालियाँ भी टूटी पड़ी हुई है, रोड भी टूटे पड़े हुए हैं सर। आपके पर्याप्त यहाँ पे जो पक्के आवास हैं वो मिले हैं लोगों? नहीं नहीं सर, बहुत नीचे सामान है। जो अपने भैरुंदा तहसील जो है, नसलन तहसील, उसकी अपेक्षा 30% भी यहाँ पर जागरूकता नहीं है सर। 30% भी नहीं है, मतलब ये मान के चलो कि हम यदि कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा एक जो ग्राम पंचायत नया गाँव हलियाखेड़ी है कोई मान्यता भी नहीं है। इसलिए हम ये युवा और सभी मतलब कि ये कि सोचे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे आए और घर से शिक्षित भी हो और पढ़ा लिखा भी हो और बढ़िया सरल स्वभाव का। कहीं ना कहीं इस पंचायत को पिछड़ी भी मानते हैं? काफ़ी पिछड़ी है सर। मैं बोल रहा हूँ कि आप इन्हें 50 से 60 किलोमीटर दूर हम कहीं भी जाते हैं, बोले कहाँ से आए भाई, हम नया गाँव हलियाखेड़ी, नया गाँव हाईवे पर बसा हुआ, जिसके बाद में नया गाँव की पहचान नहीं है। हलियाखेड़ी तो दूर की बात है सर, नया गाँव की पहचान नहीं। हमें बहुत उस टाइम हम टूट जाते हैं अंदर से कि जो सीप नदी है दो संगम के बीच में, त्रिसंगम कहा जाता है, लेकिन सीप नदी के बाद में जैसे ही अपन क्रॉस करते हैं और आते हैं भैरुंदा की ओर, नसुलगंज की ओर, तो नया गांव वहीं पर आता है और नया गांव की पहचान नहीं है, ना ही ग्राम पंचायत हलियाखेड़ी की पहचान है, वहां पर हम टूट जाते हैं सर। इसी आशा और उम्मीद से यही करते हैं कि कोई नई पीढ़ी और नया युवा पढ़ा लिखा शिक्षित हो, बस यही आशा करते हैं हम। आपका नाम बताइए। आनंद एक के। कहाँ के निवासी हैं? हलियाखेड़ी। आप ये बताइए, आपको आवास मिला? नहीं। शौचालय? शौचालय नहीं। तो क्या कारण रहा कि आवास आपको अभी तक नहीं मिला? अब वो कारण तो क्या होना सर, किस कारण नहीं मिला वो। और गांव में किस प्रकार की समस्या ज़्यादा आती है? यही मतलब गाँव में तो क्या यही मकान की आती है, अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिला। मनरेगा में आपको मजदूरी मिलती है? नहीं। कहाँ के निवासी? ग्राम पंचायत हलियाखेड़ी का। अभी आपकी पंचायत में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आप किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं गांव? जो शिक्षित हो, कुशल हो, व्यवहारिक हो, ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो गांव का विकास कर सके, सब समस्या का हल कर सके। अभी आपके गाँव में मेन समस्या क्या क्या? गाँव में मेन समस्या काफ़ी सारी है, नाली टूटी फूटी पड़ी है, सरकारी भवन हो, स्कूल है, पंचायत वगैरह है, उनकी बाउंड्री वाल भी नहीं है, मांगलिक भवन भी नहीं है, और समस्या गंदगी बहुत होती गांव में, पानी की मेन समस्या और बिजली की समस्या रहती है। संजय दादरवाल। कहाँ के निवासी हैं? हलियाखेड़ी गांव। जिस प्रकार पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो हाँ, आप किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं गाँव में? शिक्षित हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, लगनशील हो। नाले की व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में, नाले का पानी अंदर गांव में भरा जाता है, मैदान नहीं है खेल का। और क्या आप युवाओं की क्या आकांक्षा है या क्या इच्छा रखते हैं आप नए सरपंच से? पढ़ा लिखा हो, सबके काम करे। नसरुलगंज से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.